हम लोग जाएंगे आज हाफलोंग रोड पे। सुना है कि ये वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, धूल वाला खराब वाला रास्ता शुरू हो गया है हमारा हाफलोंग का। सुनो नहीं, उन्होंने किया हमारे बाइक को इसे न्यूट्रल और फास्ट गियर जाना। अरे हे इगु तो गाता होता नहीं ना, एक ब्रेक हुक नहीं जमाने बाइक में, सब टिकट हो गया। टाइम ऑलमोस्ट 8:47, बिना ब्रेक के अगर हम लोग यहाँ पे आते तो 1.5 आवर में आके पहुंच जाते, बट बहुत ही जल्दी आया गाइस। मैं तो सोच रहा था कि ये सब रास्ता टूटा फूटा मिलेगा, पर हम लोग को बिल्कुल भी टूटा फूटा रास्ता नहीं मिला, बहुत सही सही रास्ता मिल रहा था। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे एडवेंचर होने वाला है, एडवेंचर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग सीधा ही चलते जा रहे हैं भाई, मजा आ गया यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत टूटा फूटा सही रास्ता था, पर इस बार तो भाई अच्छा खासा एंट्रेंस वगैरह बना है। A very warm good morning to you all, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel. This is Ketan और आप देख रहे KP Vlog Silchar. फिलहाल तो guys अभी तक सूरज देवता नहीं उठे, लेकिन आपका KP भाई उठ गया है। The only reason is ride, guys. Ride के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा excited रहता हूँ, as you all know. एंड इतने दिनों बाद like more than 2 months हो जाएगा मैंने कोई ride नहीं किया है। उसके बाद जब आज मैं राइड के लिए निकल रहा हूँ, लॉन्ग राइड के लिए निकल रहा हूँ, तो आई एम मोर देन एक्साइटेड। उस एक्साइटमेंट के मारे मैं सबसे पहले रेडी होकर बैठा हुआ हूँ एंड यहाँ पे व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी फिलहाल शूज लगाते, नी पैड्स लगाते, हेलमेट लगा के निकलते, मीटिंग पॉइंट पे चलते, चल के दिखाते हैं हम कौन कौन जा रहे हैं और कौन सा रूट पे जा रहे हैं। लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यार विद दिस आई हैव रीच्ड रंगपुर पेट्रोल पंप एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे अपना गैंग लोग गाइस। एंड गाइस सीन कुछ ऐसा है, हम लोग रंगपुर का रोड से होते हुए हम लोग जाएंगे आज हाफलोंग रोड पे। ऑलमोस्ट हम लोग जाने वाले हैं चाटिंगा तक, तो चलते। एंड सुना है कि ये वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, तो खराब तो है ही, एंड ऊपर से आज हम लोग भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, फुल पावर ड्रोन वोन भी उड़ाएंगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, 6 बजे का निकलने का टाइम था, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6:15। लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड रोल ऑन। तो यार हम लोग हाफ वे भी नहीं आए हैं, यहाँ से पीछे हम लोग को हाफलोंग का जो पहाड़ है वो दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइक लाइन अप कर दिया है फॉर वन थंबनेल एंड फोटोज। तो यहाँ पे अच्छे से थंबनेल और फोटो लेते हैं। क्या कतई जहर वाला सीन लग रहा है यार। गाइस चलो जल्दी जल्दी फोटो ले लेते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे फाइनली धूल वाला खराब वाला रास्ता शुरू हो गया है हमारा हाफलोंग का, एंड हमारा जो एडवेंचर है यहीं से शुरू है। भाई क्या मजा आने वाला है यार, यहाँ तक हम लोग आए हैं, बहुत ही मजा आया भाई, बहुत ही मजा आया। अच्छा रास्ता तो खत्म हो गया, यहाँ से अभी खराब रास्ता शुरू है, तो खराब रास्ते में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भैया ये कौन सा जगह है?
तो बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग यहाँ पे दामसुरा तक आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं दूसरा ब्रेक। सबका हालत भी दिखाने वाला हूँ, किसका हालत सबसे ज्यादा खराब है। देखो, इसका देखो। ये लोग पीछे तो गाइस यहाँ पे दूसरा ब्रेक लेने के बाद हम लोगों ने फाइनली हमारा जर्नी शुरू कर दिया है। एंड यार मजा बहुत ही आ रहा है गाइस, मजा बहुत ही आ रहा है। फिलहाल तो मेरे को जस्ट अपना ऑडियो का ही डर लग रहा है कि ऑडियो कैसे आने वाला है क्या नहीं, बट आई विल गिव माई बेस्ट। तो चलते हैं हम। तो भाई यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक लोकेशन में आके हम लोग खड़े हुए हैं। क्या सही वाला सीन है यार यहाँ का। अब मेरा हाथ देखो, पूरा धूल धूल होके रखा है भाई। कते मजेदार वाला राइड हो रहा है। अभी ड्रोन उड़ाते हैं और आपको सीन दिखा देते। तो यार यहाँ पे फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हारेंगा जाओ पे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम ऑलमोस्ट 8:47। बिना ब्रेक के अगर हम लोग यहाँ पे आते तो 1.5 आवर में आके पहुंच जाते, बट बहुत ही जल्दी आया गाइस। मैं तो सोच रहा था कि ये सब रास्ता टूटा फूटा मिलेगा, पर हम लोग को बिल्कुल भी टूटा फूटा रास्ता नहीं मिला, बहुत सही सही रास्ता मिल रहा था। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे एडवेंचर होने वाला है, एडवेंचर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग सीधा ही चलते जा रहे हैं भाई। मजा आ गया यहाँ पे। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे का राइड कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइस सांगिक को देखो, घर से खाना लेके आया भाई। ये गुड बॉय है, टिफिन भाई, गुड बॉय है टिफिन। तो गाइस यहाँ पे वी हैव डन विद आवर ब्रेकफास्ट एंड अभी हम लोग बाइक में बैठेंगे। अभी नेक्स्ट स्टॉप हम लोग सीधा जाएंगे इथनिक विलेज तक। तो गाइस यहाँ पे हम लोग हरेंगा चौक से निकल गए हैं। एंड एक पॉइंट जो मैं आपको हाईलाइट करके देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं 1.5 साल पहले हाफलोंग गया था बाय रोड, एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं आज जा रहा हूँ हाफलोंग बाय रोड। एंड द मेजर डिफरेंस जो मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि 1.5 साल पहले जब मैं गया था रास्ता का कंडीशन बहुत खराब था, इतना खराब था कि वहाँ पे हम लोग का एक अच्छा खासा एडवेंचर हो गया था। बट इस बार जब मैं जा रहा हूँ हरेंगा चौक तक रास्ता बहुत इंप्रूव हो गया है। एंड हरेंगा चौक जाने के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ेगा, आप इजीली हरेंगा चौक तक पहुंच जाओगे। हरेंगा चौक के बाद थोड़ा बहुत रास्ता खराब है, एंड मैं बोलूंगा कि हरेंगा चौक के बाद का जो पोर्शन है वो एज इट इज रह गया है जैसे 1.5 साल पहले था। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद हमें मिलेगा जाटिंग का लामपुर स्टेशन, उस स्टेशन से फिर हमें दोबारा पीच वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। तो या गाइस लेट्स गो।
बॉयज यहाँ पे हम लोग जाटिंगा पहुंच चुके हैं भाई। एंड ये हम लोग का जाटिंगा लामपुर का स्टेशन। एंड दिस इज द ड्यूरिंग वैली यार। ड्यूरिंग वैली लास्ट टाइम मैं जब आया था इसी पहाड़ पे गया था यार, बहुत तबाही सीन है इसके ऊपर। एंड यहाँ पे हमारा बाइक्स का कुछ लाइन अप तबाही गाइस, तबाही। तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड इथनिक विलेज। दिस इज द वे फॉर इथनिक विलेज। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत टूटा फूटा सा ही रास्ता था, पर इस बार तो भाई अच्छा खासा एंट्रेंस वगैरह बना है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, आपको भी सीन्स दिखाते हैं गाइस। Guys, finally reached Ethnic Village. मैं तो लाइक इस जगह पे एक डेढ़ साल पहले आया था, एंड अब आज जब मैं आया हूँ ना भाई, बहुत डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। माइबोंग पे एक स्टोन हाउस है, उसके जैसा यहाँ पे सीम बना है, रेप्लिका बना है। आज मैं एक बार सोच भी रहा था कि इतना दूर आ भी रहे तो एक बार माइबोंग भी चले जाएंगे इस स्टोन हाउस को देखने के लिए, पर ये तो यहीं पर ही दिख गया हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अभी अंदर चलते हैं इथनिक विलेज को, डेढ़ साल बाद जगह घूमते हैं, पुराने यादें ताज़ा करते हैं। फुल टैंकी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन वी आर रोलिंग गुवाहाटी। तो डायलॉग सुनिए, ट्रेन आई गेलो, साइलेंट क्लैप। तो गाइस यहां पे इतनी विलेज विलेज हम लोग घूम लिया है, अभी हम लोग जाएंगे बाइक पर एंड सीधा निकल जाएंगे अभी हाफलॉन्ग के लिए। हाफलॉन्ग पे जाके लंच वगैरह करेंगे, फिर हाफलॉन्ग से सीधा सिलचर के लिए। विद दिस गाइस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग। इस वाले व्लॉग में हम लोग सिलचर टू रेडजोल गए, रेडजोल का एथनिक विलेज पे गए हैं, एंड अगले वाले व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं रेडजोल टू हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग में हम लोग करेंगे लंच, फिर एक दो व्यू पॉइंट्स पे भी जाने वाले हैं, एंड देन हाफलॉन्ग से रिटर्न करेंगे सिलचर। तो अगले वाले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून। व्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दिस इज केदन साइनिंग आउट फ्रॉम किपी व्लॉग सिलचर। मेरो नामा गाई लबस सिकाउना, धैर्य सिकी बसुन।